आज हम आपको जो है वो गीजर के बारे में बताएंगे कि इसको ऑटो इग्निशन किस तरह से करेंगे। नॉर्मली ये ऑटो इग्निशन में बहुत कम आता है और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अभी आप ये है कि मैनुअल जो गैस गीजर हैं उसको इजीली जो है ऑटो इग्निशन कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि नॉर्मल स्टोव्स में यूज़ होती है, जो कि आपके 3 स्टोव्स के चूल्हे हैं उसके अंदर जो है ये आ रही है। आजकल तो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, तो सिंपल है ये, बिल्कुल 700 तक की रेंज में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। चाइना मेड है और इजीली आप इसको जो है गीज़र के साथ अटैच कर सकते हैं। गीज़र की डिवाइस एक अलग आती है, लेकिन वो टिपिकल है लगाना। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने जो स्टोव की आती हैं वो आप गीज़र के साथ अटैच कर लें, वो बेहतर होगा, आसानी से लग जाएगी। बिल्कुल कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर ये एक न्यूट्रल है जो कि हमारा ग्राउंड होगा, जो आप गीज़र के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके अंदर जो आपको गाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर इसको गीज़र के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट सिस्टम हम बनाएंगे। ईजीली आसानी से आपका जो है वो जो गीज़र है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटो इग्निशन के ऊपर। इसमें ये येलो वायर जो है ये हमारा स्विच के साथ लगेगा, क्योंकि ये स्टोव में नॉर्मली 3 या 4 चूल्हे होते हैं, तो इसके अंदर जो है वो 3 का है, तो इसमें से एक तार जो है वो हमारे काम का है, जो हम ग्राउंड से टच करेंगे। और ये इग्निशन के आउटपुट हैं जिसमें हमारी जो है वो चिंगारी पैदा होती है जिससे आग लगती है, तो इसमें से 2 को जो है हम टेपिंग कर देंगे और 1 को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही 1 का है। तो ये जो ब्लैक तार देख रहे हैं ये, और ये जो इग्निशन के तार हैं, इससे एक स्पार्क डेवलप होता है जब हम ये जो है ये 3 तार जो अलग से वाइट इंसुलेशन में देख रहे हैं, इसको हम ग्राउंड के साथ टच करते हैं। तो ग्राउंड से इस जो हमारी वायर है इसके अंदर एक जो है प्लस माइनस का जो है हाई वोल्टेज डेवलप होता है जिससे स्पार्क पैदा होता है। अब ये देखें, हम ये 2 जो हैं वो इसको आपस में मिलाएंगे और तो हमारा वहाँ पे एक जो सिस्टम है वो कंप्लीट होगा, सर्किट हमारा और स्पार्क डेवलप होगा। बस ये येलो वाला मैं ग्राउंड के साथ टच करता हूँ, तो ये देखें आप स्पार्क नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरह से ये स्पार्क डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक स्विच लगाएंगे इसके ग्राउंड के साथ तार, जो कि येलो के साथ येलो और इस ग्राउंड के साथ स्विच भी करेगा, और उसके साथ साथ वो आगे जाके ये ब्लैक इग्निशन वायर के साथ लगेगा। इसमें मैं एक नॉर्मल 1.5 वोल्ट का जो है सेल लगता है, तो मुझे ये बाज़ार से इसका कवर मिल नहीं सका, तो मैंने 12, क्योंकि ये एक बार ही इस्तेमाल लगाना होता है, उसके बाद सालों चलता है, तो ये सिंपल आप मैंने ये टेप से लगा दिए। इसमें रेड वायर जो होता है ये अलग ही होते हैं, 2 रेड और ब्लैक वायर जो कि प्लस और माइनस होता है, तो ये आप इस तरह से इसके साथ लगा लें, इसको अलग कर लें, टेप से लगा लें, या अगर आपको कवर मिल जाए 15-20 रुपये का माल मार्केट में मिलेगा तो आसानी से लग सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा तार हैं, क्योंकि ये 3 चूल्हों के लिए है, तो 3 बटन से इग्निशन आता है, तो क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही 1 है, तो बाकियों को जो है हम टेपिंग करके बंद कर देते हैं, ताकि क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सेफली उसको टेप कर दें अच्छे से और उसको अलग कर दें। उसके साथ जो है जो हमारा येलो है उसको रहने देंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि येलो हमने इसलिए लिया है कि जो हमारा इग्निशन का इसका आउटपुट है सर्किट का, वो सबसे बड़ा तार आप सिलेक्ट कर लें, अगर वो येलो है तो येलो ले लें, ग्रीन है तो ग्रीन ले लें, ब्लू तो ब्लू, उसको अलग कर लें, क्योंकि गीज़र के अंदर इस तार को जाना है, ज़ाहिर डिवाइस अंदर नहीं करेंगे, अंदर टेम्परेचर होता है खराब, डिवाइस को हम बाहर ही लगाएंगे, ऐसे मैं आपको दिखाऊँगा ऊपर कहीं। तो ये जो ब्लैक है, ब्लैक और येलो हम अलग कर लेंगे, बाकियों को टेपिंग कर देंगे। इसमें से जो है हम जो स्पार्किंग का इसका सर्किट का आउटपुट वायर है उनको भी अच्छे से टेपिंग कर देंगे, उनकी भी ज़रूरत नहीं है हमें गीज़र के केस में। तो अगर स्टोव होता, चूल्हा होता, तो फिर हम इसको भी यूटिलाइज कर लेते, इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे ज़रूरत नहीं है।
तो बहुत अच्छा हो जाएगा इससे कि घर में खवातीन होती हैं, ज़ाहिर है कि मर्द जो होते हैं वो ऑफिस वगैरह में, कॉलेज में कहीं होते हैं, तो घर में खवातीन को ही जो है गीज़र बार बार चलाना पड़ता है। आजकल लोड शेडिंग इतनी हो रही है गैस की कि तकरीबन रोज़ ही जलाना पड़ रहा है गीज़र। तो बेहतर ये है कि हम जो है वो इसको ऑटो पे कर दें ताकि सेफली खवातीन आराम से सिर्फ बटन एक दबाना है और ये आपका जो है गीज़र ऑन हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बनाना है, मुश्किल से आधे से एक घंटा लगेगा आपको इसके ऊपर, और ये आपका जो है गीज़र ऑटो इग्निशन हो जाएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है माचिस से जला के गीज़र के अंदर हाथ डालने की या कुछ करने की, ये ऑटो होगा, सिर्फ बाहरी बटन इसका लगा देंगे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप लगाएंगे, किस तरह से करेंगे। ये एक्स्ट्रा तार जो है ये मैं बांध रहा हूँ, एक्स्ट्रा तार जो है इसको अलग टेपिंग करके अलग कर दिया है मैंने, ताकि ये आपस में टच ना हो और कोई ज़ाहिर सैली ज़ाया होगा उसमें और ना होना क्या है, या डिवाइस मुस्तकिल ऐसा ना हो कि कहीं से टच हो जाए और डिवाइस चलते चलते डिवाइस ख़राब हो जाए। वैसे तो डिवाइस इतनी महंगी नहीं है मार्केट में, ये 600-700 में मैंने ली, तो इतने तक में मिल जाती है हमें, और बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती। गीज़र भी ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होते हैं, चूल्हे ज़्यादा चलते हैं क्योंकि ये उसी के हिसाब से बनाई हुई है, तो ये मज़बूत है, अच्छी है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है, तो ये चलेगी आपकी ज़्यादा। तो देखें इस तरह से मैंने ये सारे अलग करके टेपिंग कर दी है, और सिर्फ ये हमारे जो तीन तार जो हमारे काम के हैं वो हमने अलग कर लिए हैं। एक में जो है वो 1.5 वोल्ट दे रहे हैं सेल के जरिए, नॉर्मल पेंसिल सेल यूज़ होगा इसके अंदर, कोई सा भी लगा लें 1.5 का सेल। तो बहरहाल इसको हम टेपिंग कर देंगे। अच्छा, इसमें जो ब्लैक वायर है ग्राउंड का वो और येलो के दरमियान में हम जो है वो लगाएंगे, ये देखें अभी मैं लगा कर आपको दिखा दें स्पार्किंग इस तरह से होगी। तो ब्लैक और येलो के दरमियान में एक स्विच लगा देंगे, और ब्लैक से ही एक और तार निकाल के हम इग्निशन की तरफ करेंगे। जब हम स्विच को प्रेस करेंगे, जब येलो और ब्लैक मिलेगा स्विच के जरिए, तभी स्पार्क होगा, अदरवाइज स्पार्क नहीं होगा, सर्किट कम्प्लीट उसी वक्त होगा। तो हम एक ये जो है एक तार लगा रहे हैं, इसको दरमियान से मैं छील के ब्लैक जो ग्राउंड का तार है वो इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसका दूसरा सिरा येलो के साथ जो है वो स्विच के साथ लगा देंगे, और एक सिरा जो है वो इग्निशन के लिए दोनों को करीब कर देंगे ताकि हमें इग्निशन मिल सके। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिला रहे हैं, ब्लैक को मैंने रेड के साथ इसको टेपिंग करके हम अपनी डिवाइस को भी टेप कर देंगे, और बिल्कुल इसको अच्छी तरह से टेपिंग वगैरह कर देंगे ताकि दूसरे तार जो हैं वो आपको बाद में भी डिस्टर्ब ना करें, ज़ाहिर है बच्चों का घर होता है तो इसको छेड़ें इस तरह से। तो नॉर्मली गीज़र ऐसी जगह पे लगे होते हैं कि वहाँ पे एक्सेस ही इतना मुश्किल होता है घर से अलग करके, कहीं अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर है या सेकेंड फ्लोर है तो ऐसी जगह लाया जाता है जहाँ पर जाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने ये लगाया, ग्राउंड को जो है इस रेड वायर के साथ हमने लगा दिया है, ये दो जो होंगे हमारे स्पार्क के लिए कर दिए, और इसका जो एक साइड है, एक साइड स्पार्किंग के लिए ले ली, एक साइड हमने येलो के साथ बटन लगाने के लिए ले ली, ये दोनों एक्चुअली ग्राउंड के साथ कनेक्ट। जैसे ही हम जो है इसको कनेक्ट, ये देखें ये लगाया हमने इसके साथ, इसको भी टेप कर देंगे जैसे, और दूसरी तरफ जो है वो पिंस लगाई है मैंने आपको दिखाने के लिए स्पार्क किस तरह से होगा। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना होता है, 5 mm जो है वो इनफ है, करेंगे इस तरह से स्पार्क डेवलप हो। कोई इतना वो नहीं है, मैंने जस्ट सिंपल जो नॉर्मल सिलाई की सुइयां होती हैं वो आपस में इसमें तारों के अंदर डाल के इसको टेपिंग करके ऊपर से तो कर दिया है। और ये देखें येलो और इसके दरमियान में जो है एक स्विच एडजस्ट कर दिया मैंने, लगा दिया है, लगाऊंगा ये लगा दिया है मैंने, और ये देखें स्विच को दबाने से स्पार्क हो रहा है। तो अब जो है हमें माचिस से अंदर से जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट स्पार्क होगा और हमारा जो है गीज़र ऑन हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि ये फ्लेम से दूर रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो लगा रहे हैं हम, तो फ्लेम से थोड़ा दूर रहे, गर्म होकर पिघल ना जाए तार, या तार में ही तार ही ना जल जाए,
थोड़ा सा दूर रखें, नीचे साइड पे रखें, पायलट के साथ लगेगा। देखें ये बटन मैं प्रेस करूँगा इस तरह से ऑन करके, और ये बटन मैंने स्विच ऑन किया है, तो ये देखें ये स्पार्क हो गया। तो बहुत ही ऑटोमेटिकली ये पायलट ऑन हो गया, तो इसलिए मैंने बटन दबा के रखा पायलट का। उसके बाद पायलट ऑन हो चुका है, तो एडजस्ट मुझे यहाँ पर बर्नर ऑन करना है। यहाँ पर मैं बर्नर ऑन कर देता हूँ। कितना सिंपल हो गया जलाना, कोई माचिस जलाने की ज़रूरत नहीं है। सेफली इसको जो है बटन के ज़रिए आप गीज़र चला लें, कोई अंदर आपको जो है हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर पर घर की ख़वातीन जो कि जो है ज़ाहिर के इस तरह के काम से डरती हैं, लेकिन साइड पे मैंने ये एडजस्ट कर दिया है डिवाइस को, एक बटन को इधर साइड पे लगा दिया ताकि एक ही हाथ से बटन भी हो, तो जो है दोनों में दबा सकूँ।